एक बात अपने जीवन में उतारी है, जब विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहा, या बहुत बड़ा काम है हमारा हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत कर, एकांत के शिव मंदिर में जाइए। अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो, या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो छोटा सा। एक बेलपत्र बहुत ध्यान से सुनना, एकांतेश्वर महादेव का यह प्रमाण, जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब, जो जमीन पे धूप लगी होती है, दुर्वा, धूप, दुर्वा, एक दुर्वा, वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है, दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से दो पत्तियां निकली हुई हो, देखिए ना, हम लोगों ने पहले बोलो जमके बोले, देखा है ना, दुर्वा एक और दो पत्ती, एक ही कहलाई, दो पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना, एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर आराधना कर घी का दीप लगाकर एक एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से कर लो, दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी बाबा को समर्पित कर हृदय से प्रार्थना कर बाबा से निवेदन कर दीप, अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना, अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना, दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना, जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर आना, मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर।